वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम माय सेल्फ सुखमनप्रीत कौर। आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास बायोलॉजी का जो चैप्टर कर रहे हैं जैव प्रक्रम, उसका सेकंड टॉपिक उठाएंगे जो है पोषण। तो पोषण क्या होता है? जब हम भोजन खाते हैं या खाने की कोई भी चीज हम खाते हैं, उसका पाचन होता है, ठीक है। जब उसका पाचन हो रहा होता है तो उस समय हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को उस भोजन से कुछ पोषक तत्व मिलते हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन, ऐसे से, ठीक है। तो जब हमें ये चीज मिलती है, ये जो क्रिया हो रही है, इसे पोषण कहते हैं। किस क्रिया को? दोबारा से देखते हैं। भोजन या खाने की कोई भी वस्तु जब हम खाते हैं, ठीक है, उसका पाचन होता है और उसके पाचन के समय जो हमें पोषक तत्व मिलते हैं हमारे शरीर को, इस क्रिया को पोषण कहते हैं। इस चैप्टर में हम दो प्रकार के पोषण को पढ़ेंगे, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या है? स्वपोषी पोषण अर्थात स्वयं, स्व अर्थात स्वयं। स्वपोषी पोषण का मतलब है कि जिस पोषण में कोई भी जीव किसी दूसरे जीव पर भोजन के लिए निर्भर ना हो। मतलब मैं हूं, जैसे कि मैं अगर स्वपोषी पोषण में आती हूं तो मैं अपने भोजन के लिए, अपने खाद्य किसी पदार्थ के लिए दूसरे किसी जीव पर निर्भर ना हूं, ठीक है। तो क्या मनुष्य स्वपोषी पोषण में आते हैं? नहीं आते। स्वपोषी पोषण में मनुष्य नहीं आते क्योंकि हम जो मनुष्य हैं, हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहे। स्वयं से मतलब जैसे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं, वो खुद बनाते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया? पर्यावरण से सिर्फ क्या लिया? सूर्य का प्रकाश लिया, पानी लिया, ठीक है, ये चीजें वो लेते हैं। बाकी क्लोरोफिल उनके पास है, सूर्य के प्रकाश से उन्होंने क्या किया? अपना भोजन तैयार कर लिया। पर हम जो मनुष्य है ना, हम इस तरह से अपना भोजन तैयार नहीं करते। हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? दुकान से गेहूं ले आएंगे, ठीक है, फिर चक्की पे उसका आटा पिसवा देंगे और फिर खाना खुद तैयार करते हैं। तो इसलिए हम समझ जाते हैं कि हमने अपना खाना खुद तैयार किया। लेकिन जो गेहूं आई ना हमारे घर पे, वो हमने तैयार नहीं की। वो हमें कहाँ से मिली? प्रकृति से मिली, है ना, पौधों से मिली। तो ऐसे ही हम जो मनुष्य हैं, हम पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। किसके लिए? अपने भोजन के लिए। फ्रूट्स हम घर में लेके आते हैं, वेजिटेबल्स जो लेके आते हैं, वो सारे कहाँ से लेके आते हैं? पेड़ पौधों से ही मिलती हैं हमें, ठीक है। बेशक हम पैसों में खरीद रहे हैं, लेकिन दे तो हमें पेड़ पौधे ही रहे हैं ना ये चीजें। तो हम स्वपोषी पोषण में नहीं आते। अब बात करते हैं कि स्वपोषी पोषण में कौन कौन से आते हैं। पेड़ पौधे और नीलहरित शैवाल। पेड़ पौधों को मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन तैयार करते हैं, ठीक है, और नीलहरित शैवाल भी अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। अब बात करते हैं विषमपोषी पोषण की। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत थे। अगर हमें वायवीय श्वसन आ जाता है तो अवायवीय श्वसन उसका उल्टा है। ऐसे ही अगर स्वपोषी पोषण को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, हमें पता चल जाता है इसके बारे में, तो विषमपोषी पोषण इसका उल्टा है। कैसे? स्वपोषी पोषण में क्या होता था कि जीव जो है अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं करता, लेकिन विषमपोषी पोषण में जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। कैसे निर्भर रहता है? जैसे अमरबेल भोजन के लिए क्या करती है? दूसरे किसी जीव के शरीर के या तो ऊपर रहेगी अपने भोजन के लिए, या उसके शरीर के अंदर रहेगी, ठीक है। इसी तरह से हम मनुष्य, हम भी दूसरे चीजों पे, जैसे पेड़ पौधों पे, है ना, इन सभी चीजों पे हम निर्भर करते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई पोषण की टू टाइप्स की। अब हमारे पास जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि पोषण होता कैसे है, ठीक है, जीवों में पोषण कैसे होता है, ये डेफिनेशन है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब सभी जीवों का शरीर क्या है फ्रेंड्स? सभी जीवों का शरीर अलग अलग किस्म का है। तो अगर शरीर अलग अलग किस्म का है तो हमें भोजन भी अलग अलग किस्म का चाहिए, ठीक है ना। अगर हमें भोजन अलग अलग किस्म का चाहिए तो उसका पाचन भी अलग अलग तरह से होगा। जैसे खरगोश है, वो शाकाहारी है, शेर मांसाहारी है, ठीक है। अब खरगोश का शरीर अलग है, शेर का शरीर अलग है, वो शाकाहारी भोजन नहीं कर सकता और वो मांसाहारी भोजन नहीं खाता, ठीक है। खरगोश क्या खाता है? घास, गाजर, ऐसी सी चीजें खाता है। और शेर क्या खाता है? दूसरे जानवरों को खाता है, ठीक है। तो शेर भी किसमें आता है? विषमपोषी पोषण में आता है, ठीक है। तो अब जो खरगोश है उसके शरीर में पाचन क्रिया अलग है और शेर के शरीर में पाचन क्रिया अलग है। इसी तरह से हम मनुष्य हैं, हम सर्वाहारी हैं, हमारे शरीर की पाचन क्रिया
अलग है। तो अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ अमीबा की, कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। हम पिछली क्लासेस में नाइन्थ में हमने पढ़ा था कि अमीबा में जो पोषण होता है वो एंटोसाइटिसिस प्रक्रिया द्वारा होता है ना। तो अमीबा में पोषण किस तरह से होता है वो हम एक बार समझते हैं। ये मेरे पास अमीबा की पिक्चर है, ये अमीबा है, ये इसका बीच में केंद्रक आ जाता है, यहाँ पे आ गया खाद्य कण, ठीक है। खाद्य कण इसके बाहर है, इसने मतलब फील हुआ इसको कि हाँ बाहर खाने की चीज है, कोई खाने का पदार्थ पड़ा हुआ है। तो ये क्या करता है जब इसे पता चलता है कि बाहर खाने की चीज पड़ी है, अमीबा अपने झूठे पैर, ठीक है, इनको फैला लेता है। क्यों फैलाता है, जिनको हम साइंस की लैंग्वेज में पादप बोलते हैं, क्यों फैलाता है इनको, ताकि ये जो भोजन है ना जो बाहर पड़ा हुआ है इसको ये दबोच सके, ठीक है। इसके लिए ये अपने झूठे पैर फैला लेता है। अब इसमें देखिए, इसमें इसने क्या किया, भोजन को पूरी तरह से कवर कर लिया, अपने पैरों को जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया, ताकि ये भोजन को अपने अंदर दबोच ले, भोजन के बाहर निकलने की कोई गुंजाइश ही ना बचे। इसमें क्या हुआ, भोजन गायब, यानी अमीबा इसमें भोजन अपने अंदर लेके जा चुका है, ठीक है। इस तरह से अमीबा अपना पोषण करता है। तो हर एक जीव में पोषण करने की क्रिया जो है, हर एक जीव की पोषण की क्षमता जो है वो अलग अलग है। किस प्रकार से अलग अलग है, जिस प्रकार से हमारे भोजन खाने की क्षमता अलग अलग है, भोजन जिस प्रकार से हमारी भोजन हम चूज करते हैं कि हमें खाना क्या है, तो इसी तरह से हमारे पाचन क्रिया भी सबकी अलग अलग होती है। अब बात करते हैं मनुष्य में पोषण की। अब देखो, हमें एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मान लो कि मुझे पिज्जा पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है मुझे पिज्जा, तो जब मैं उसको देखती हूँ मेरे मुंह में पानी सा जाता है ना। सबके साथ होता है ऐसे, जो चीज हमें पसंद होती है उसको देख के हमें हमारे मुंह में पानी आ जाता है ना। और या फिर कह लो कि कोई अच्छी सी डिश बन रही है किचन में, ठीक है, हम घर के अंदर गए और हमने बता दिया कि आज तो ये चीज बन रही है, ठीक है। और जब हमने देखा उसे कि वो कैसी बनी हुई है ना, तो हम जैसे कुकर का ढक्कन खोला और देख रहे हैं तो बहुत टेस्टी सी लग रही है देखने में, तो भी हमारे मुंह में पानी आ जाता है। एक्चुअल में जो वो हम पानी कहते हैं ना कि मेरे मुंह में पानी आ गया, वो पानी नहीं होता, वो लार होती है, ठीक है। जो लार ग्रंथि स्त्रावित करती है वो एक लार होती है, ठीक है। ये लार ग्रंथि हमारे मुंह में पाई जाती है, ये भोजन को सॉफ्ट करती है, ठीक है, भोजन को पचाने भोजन को निगलने में सहायता करती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि मनुष्य में पोषण किस तरह से होता है। ये हमारा मुंह है, ठीक है, ये जीवा है, जीभ जिसे हम बोल देते हैं, ये जीवा है, ये मुंह है, यहां से मैं भोजन खा रही हूं। तो हमारे मुंह में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, दांत है, जीभ है, लार ग्रंथि है, ये चीजें हैं, ठीक है। तो दांत का क्या काम होता है, दांत भोजन को चबाने में सहायक है। भोजन को ऐसे तो नहीं है ना कि मैंने एक चम्मच खाया और ऐसे पूरा का पूरा ही वो अंदर चला जाएगा, नहीं होता ना ऐसे। हम भोजन को चबाते भी तो है, चबाएंगे किससे, अगर दांत होंगे तभी चबाएंगे, ठीक है। तो भोजन को दांतों द्वारा चबाया गया, जिससे भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना शुरू हो गया, थोड़ा बहुत, ठीक है, ज्यादा नहीं। तो चबाया जब भोजन को, तो उसके अंदर क्या हो गया, लार मिक्स हो गई। अब लार मिक्स होने से क्या होता है कि लार जब भोजन के अंदर आ जाते हैं, एक तो भोजन का स्वाद बढ़ जाता है, दूसरा भोजन नर्म हो जाता है, और तीसरा भोजन जो है यहां से निगलने में भोजन को आसानी होती है जब लार मिक्स हो जाती है, उसके अंदर भोजन चिकना हो जाता है उससे, ठीक है। तो मुंह से अब यहाँ पहुंच गया ग्रसनी में, ग्रसिका में या ग्रसनी में, यहाँ पे भोजन पहुंच गया किसकी हेल्प से, लार की हेल्प से, ठीक है। यहां से भोजन होता हुआ आता है अमाशय में, अमाशय में HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, और जठर ग्रंथियां पाई जाती है। जठर ग्रंथियां बेटा बहुत सारी, सॉरी फ्रेंड्स, जठर ग्रंथियां बहुत सारी पाई जाती हैं इसके अंदर, किसके अंदर, अमाशय के अंदर। अगर हम इनकी गिनती करें तो लगभग ये 350 करोड़ की संख्या में होती है, ठीक है, किसमें, अमाशय में। तो हम बात कर रहे थे कि भोजन को जब हमने मुंह से चबाया, इसमें लार मिक्स हुई, और लार मिक्स होने के बाद ये यहां से होते हुए अमाशय में पहुंच गया। अब ग्रसिका जो है वो मुंह को अमाशय से जोड़ती है, ये पतली सी नलिका होती है, ठीक है, ये मुंह को अमाशय से जोड़ती है। अब भोजन आ गया अमाशय में, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जठर ग्रंथियां हैं, ठीक है, वो भोजन को क्या करेंगी, क्या करेंगी, भोजन को पचाने में सहायता करेंगी। अब भोजन यहां से होते हुए आ जाता है हमारा शुद्रांत्र में। जब भोजन शुद्रांत्र में आता है, तो यहां से जो है ना, आते समय
पित्ताशय जो है वो पित्तरस स्त्रावित कर देता है, और यहाँ पे हमारा होता है अग्नाशय, ये रहा हमारा अग्नाशय, अग्नाशय जो है अग्नाशय रस का स्त्रावण करता है, ठीक है। अब यहाँ से भोजन जब शुद्रांत में आता है तो यहाँ वसा का जो है पूर्ण क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है, मतलब वसा जो है छोटी छोटी महीन गोलिकाओं में टूट जाता है, ठीक है, जिसे इमल्सीकरण कहते हैं, याद रखना, जिसे क्या कहते हैं, इमल्सीकरण कहते हैं, वसा का महीन छोटी गोलिकाओं में टूटना। और ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि वसा का पाचन हमारे शरीर में कहाँ पे होता है, तो शुद्रांत्र में होता है, ठीक है। तो वसा जो है छोटी छोटी महीन गोलिकाओं में टूट जाता है, उसके बाद क्या होता है कि जो जो हमारे शरीर के लिए भोजन हमें चाहिए वो हमारे शरीर में ही रहता है, ठीक है, और बाकी जो है यहाँ पे स्टोर हो जाता है और गुदा द्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है हमारी बॉडी से। तो इस प्रकार मनुष्य में पोषण होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो वहन का है वो समझेंगे। बस इसके दो ही टॉपिक रहते हैं, एक वहन और एक उत्सर्जन, तो अगली वीडियो में हम वहन टॉपिक को समझेंगे। थैंक यू।